अरुण भूमि न्यूज चैनल के सभी दर्शक को मेरा नमस्कार और आप सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा अरुण भूमि न्यूज चैनल पे। तो आज हम आप सबको बताएंगे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन सिस्टम एवं जो यहाँ पे कितना इंस्टीट्यूट है तो उसको लेकर के, और DDSC से मैं पूछताछ करेंगे उनसे मिल के जो अपर सुबनसिरी में एग्जैक्टली कितना स्कूल है, कितना जो है स्टाफ है, तो उन सबसे जानकारी लेंगे। और यहाँ से शुरू करके जो है मैं सभी स्कूल को विजिट करने की मैं कोशिश करूंगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है अपर सुबनसिरी, तो उसको जानने के लिए आप सब जो है हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम साथ बैठे हैं DDSC दापोरिजो के साथ, क्योंकि एकेडमी जो है 2024-25 का जो है सेशन जो है इस वक्त जो है शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर के जो है अभी जो है एजुकेशन सेनेरो और एकेडमी का जितने भी जो इंस्टीट्यूट है अपर सुबनसिरी में उसका जो एडमिशन एवं जो स्कूल का जो स्टार्टअप कैसा हो रहा है, मैं उसको जानने के लिए यहाँ आया हुआ। तो सर, सबसे पहले आपको मैं अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू मीडिया पर्सन। सर, हमको ये जानना है कि जैसे कि अभी एकेडमिक जो है अभी शुरू हो चुका है, तो आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है कितना स्कूल है और कहाँ कहाँ जो है एडमिशन शुरू हो चुका है? भाई पातुम जी, अभी स्कूल का नंबर है अपर सुबनसिरी में 214 स्कूल है। अभी ये सेशन शुरू हो गया, एडमिशन अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो इंटीरियर में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम का वजह से अभी कोई कोई स्कूल में एडमिशन चल रहा है, और एडमिशन खत्म होने के बाद में जहाँ में कम्युनिकेशन ऐसा है वो जगह में हम जाके खुद मीटिंग कंडक्ट करेगा, स्कूल को इंस्पेक्शन करेगा, BO कंसर्न को SMC मीटिंग कंडक्ट करो, प्रोग्राम फिक्स करो हम बोल रहा है, और मीटिंग कंडक्ट करके हम अपर सुबनसिरी का क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं भी सोच रहा हूँ जितना हो सके 100% रिजल्ट चाहिए आना है। इसके लिए हम जोरदार मतलब स्ट्रेस दे रहा है, मतलब रिजल्ट 100% होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या होगा वो तो पता नहीं है, इसलिए ये टीचर सब भी अच्छा से ड्यूटी करना है। मेरा BO जितना है, BRC जितना है, स्कूल को हम मीटिंग कंडक्ट कराया, स्कूल को इंस्पेक्शन करना है, महीना में BO इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमको देने के लिए हम मीटिंग में, वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग कल परसों हुआ था पूरा, उसको देने के लिए बोला है। और ये जितना स्कूल है MDM ये मिल रहा है उसको भी, MDM को भी अच्छा से सर्व करने के लिए तो बोला है, तो उसका फोटोग्राफ हमको MDM काते हुए फोटोग्राफ भी हमको भेजने के लिए बोला है। अभी तो सेशन शुरू हो रहा है, MDM भी पहुँचा दिया, अभी तो खिलाया नहीं होगा, अभी तो सेशन एडमिशन चल रहा है। तो हुई है, मतलब मेरा टारगेट है बच्चा अपर सुबनसिरी का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन मिलना है, और वो बच्चा मेरा बच्चा है, सबका बच्चा है, तो टीचर लोग अच्छा से ड्यूटी करके हम लोग को हमारा बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोशिश करना है, वही मेरा टारगेट है। तो उसका ऊपर क्या क्या ये आता है हम बाद में देख के मतलब करते रहेगा और सुझाव देते रहेगा अपना हेडमास्टर इंचार्ज, हेड टीचर और हेडमास्टर प्रिंसिपल और हेडमास्टर लोग को। थैंक यू सर। ये जो राइट टू एजुकेशन को लेकर के जो हमारे उसके बारे में जो प्री एजुकेशन का जो जिक्र करता है, तो उसको लेकर के जो है आप जो है थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए सर। थैंक यू। राइट टू एजुकेशन के लिए तो हम लोग ये एडमिशन फी नहीं लेता है असली में, लेकिन एडमिशन फी नहीं लेने से स्कूल को चलाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको देखते हुए अपना टीचर इंचार्ज लोग, हेडमास्टर इंचार्ज लोग, प्रिंसिपल हेडमास्टर लोग थोड़ा मतलब ऐसे नॉमिनल फी लेता होगा, उसका बारे में तो मालूम नहीं है। हम मेरा तरफ से तो ले लो बोल के ऑर्डर नहीं देता है, तो आजकल का गवर्नमेंट का यह है राइट टू एजुकेशन में फ्री ये करना है, हम लोग एडमिशन लेना है। सर ऑल क्लास? ऑल क्लास नहीं है, 9, 10, 11, 12 को तो वो CBSE फी होता है, वो तो 1500 ऐसा कुछ लेता होगा, उसको मालूम नहीं है एग्जैक्टली। स्कूल का फी तो वो अपना कंसर्न हेडमास्टर जो है ना, प्रिंसिपल हेडमास्टर लोग, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट तो देता है। जहाँ में एनरोलमेंट कमती है 25,000, जहाँ में एनरोलमेंट
ज़्यादा है 50,000 ऐसा करके देता है, वो तो स्कूल चलाने के लिए नहीं सकता है, मतलब साल भर चलाने के लिए। जहाँ में हमारा हायर सेकेंडरी में 2,000 स्टूडेंट है, एनरोलमेंट है, उसको अच्छा से स्कूल को चलाने के लिए तो ऐसा मतलब 10-20 लाख चाहिए। तो उसको देखते हुए सर लोग थोड़ा ये मिनिमम ये करके कुछ तो पी लेता होगा, उसको तो मालूम नहीं है कितना लेता है नहीं लेता है, उसको तो मेरा मालूम नहीं है, मेरा नॉलेज में नहीं है, लेकिन लेके सोला नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का दिया वाला तो सिर्फ ये कागज़ पेन के लिए देता है, बहुत मतलब अंदर में खर्चा है उसको, उसके लिए तो थोड़ा मतलब देना पड़ेगा मेरा तरफ से भी। वो तो रिक्वायरमेंट कमिटी SMC SMDC लोग बैठ के मतलब पास करके लेना है। थैंक यू सर हमसे जोड़ने के लिए। तो जानकारी के लिए मैं आप सबको बता दूं, अपर सुबनसिरी में अभी DDSC सर का जो कहना है 214 स्कूल यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको चलते जो मैंने सर को पूछताछ करने की कोशिश की, 214 स्कूल में से कितना पर्सनल है, तो वहाँ के जो है टीचिंग स्टाफ कितना जो है पोस्टिंग किया गया है उस इंस्टीट्यूट पे, तो उसको लेकर के जो है सर को मैंने पूछताछ किया, तो सर ने बताया कि एग्जैक्टली अभी जो है अपना नया ज्वाइनिंग हुआ है तो इतना पता नहीं है। तो इसके साथ साथ जो है टोटल अपर सुबनसिरी में कितना टीचिंग स्टाफ है, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको लेकर के भी मैंने कई बार यहाँ पे DDSC ऑफिस में सवाल किया, जो अपर सुबनसिरी स्कूल अपर सुबनसिरी को जो स्कूल इंस्टीट्यूट को चला रहा है, तो उन सबको जानने के लिए मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अपर सुबनसिरी DDSC ऑफिस में ऐसे सुनने को मिलता है कि एग्जैक्ट जो है वन मैन हैंडल नहीं किया जा रहा है जो यहाँ के टीचिंग स्टाफ के दाता को लेकर के। तो ये एक जो है बहुत एक बड़ा मुद्दा है, एक इंस्टीट्यूट DDSC ऑफिस में ऐसे जो है इधर उधर जो है वोच पोच होना, जो टीचिंग स्टाफ और यहाँ के जो फैकल्टी का जो मेंबर जितने भी है उसका एक पक्का एक लिस्ट होना चाहिए, तो उसको लेकर है। लेकिन जो है आज मैंने जो जिस विषय के लिए मैं यहाँ आया था तो उसको लेकर के जो है थोड़ा सा कामयाबी तो हुआ है। तो DDSC साहब ने बताया जो अभी जो मैं दोहरा दूँ 214 स्कूल, तो 214 स्कूल के हर एक क्षेत्र पे मैं जाने की कोशिश करूँगा, तो एग्जैक्टली जो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में कितना टीचिंग जो है तैनात है, ड्यूटी कितना करते हैं, और एवं वहाँ पे स्टूडेंट कितना है। ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। और ऐसे सुनने को मिलता है कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल में बहुत सा संख्या कम है स्टूडेंट का, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जो इतना बढ़ चुका है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है इतना इन्रोलमेंट होता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में जो है इन्रोलमेंट कम है, जहाँ प्री पढ़ाया जाता है वहाँ पे कम है। तो आप सोच के देखिए एक बहुत ही बड़ा समस्या अपर सुबनसिरी में चल रहा है। तो उसको लेकर के मैंने जो है DDSC सर से भी पूछताछ किया, जो एग्जैक्टली अपर सुबनसिरी में कितना जो है रजिस्टर्ड स्कूल या इंस्टीट्यूट है, उसको भी मैंने पूछताछ किया। तो सर ने मुझे बोला कि एग्जैक्टली अपना तो पता नहीं है, लेकिन किसी सर को किसी जो स्टाफ को उन्होंने जो इंडोर्स किया कि आप जो है इस जानकारी को दे देने के लिए, जब मैं इस लिस्ट को मिलेंगे तब मैं कोशिश करूँगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में थोड़ा कंपेयर करने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो इन चंद शब्दों के साथ आप सबको मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सब ऐसे ही अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।